दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 समन के बाद शनिवार 17 फरवरी को ईडी कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े। 17 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने को कहा था। इससे पहले कई बार समन भेजे जाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए और वो बहाने पे बहाने लगाते रहे। अरविंद केजरीवाल ने वकील के पेशी के छूट के लिए एप्लीकेशन लगाई। वकील ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से वे पेश नहीं हो पा रहे हैं, जो कि एक बहाना था। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा, मैं आना चाहता था लेकिन बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से नहीं आ सका, अगली तारीख पर आ जाऊंगा। ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। 16 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। आज ही दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर की चर्चा होगी। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि केजरीवाल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होंगे। अगली डेट 16 मार्च की मिली है, इस पर केजरीवाल पेश होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 मार्च को निजी तौर पर केजरीवाल अदालत में पेश होंगे, इसलिए आज पेश होना था जरूरी, इसलिए ये तारीख दी गई। दरअसल लगातार 5 समन को नजरअंदाज करने पर ईडी की अदालत ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। उन्हें अदालत में वह इस बात का जवाब देना था कि उन्होंने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से जारी किए गए 5 समनों का जवाब क्यों नहीं दिया। वो ईडी को भी हल्के में लेने लगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो ईडी की कोई भी जवाब देने को जरूरतमंद नहीं समझते। 5 समन को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया और उस पर कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए ईडी को ये न्याय लेना पड़ा और 6 समन में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में खड़ा कर दिया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह भी जेल के अंदर जा चुके हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है, लेकिन एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। पिछले दिनों की ईडी उन्हें 6ठा समन भेजा था और अदालत के सामने केजरीवाल को इस बात का जवाब देने को कहा था कि वे अब ईडी की ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे हैं। इसलिए केजरीवाल शामिल हुए और उन्होंने बताया कि 16 मार्च को जो डेट निकली है उसमें भी वे शामिल होंगे।